तो मैं साहिल रावत आप सबका स्वागत करता हूं, जो कि हम पहुंच चुके हैं यहां पर कांडी मल्ला क्रिकेट टूर्नामेंट में, जो कि यहां पर आज के दिन का इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है, गंगोली वर्सेस बैराट, जहां पर पहले गंगोली ने बल्लेबाजी का निर्णय लिया है और बैराट ने क्षेत्र रक्षण को आमंत्रित किया है बैराट को। तो पहला सेमीफाइनल देखते हैं क्या करें, गंगोली के ओपनर्स आ चुके हैं, बैराट ने भी अपना क्षेत्र रक्षण फैला चुके हैं, जो कि यहां पर पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। स्ट्राइक पर होंगे संजय और ऑन स्ट्राइक पर होंगे पवन। पहले सेमीफाइनल की पहली गेंद, और वाइड गेंद, इसी वाइड के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। और इन्हीं 3 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। अभी भी पहला ओवर प्रगति पर। सवाज पवन वेरी गुड, सवाज पवन और कैच उठा यहाँ पर और पहला विकेट यहाँ पर गंगोली का पहला विकेट झड़ चुका है। एक विकेट के नुकसान पर गंगोली का स्कोर 5 रन। और अब आ चुके हैं मुकेश संजय का स्थान ग्रहण करने और एक ओवर की समाप्ति पर गंगोली का स्कोर 5 रन, एक विकेट के नुकसान पर गंगोली। अब बॉलिंग पे आ चुके हैं सूरज। इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। अभी भी दूसरा ओवर प्रगति पर बैराट की तरफ से। सवा सूरज बोल मार, सवा सूरज, सवा सूरज और क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड कर दिया है सूरज ने। शानदार गेंदबाजी सूरज पाल द्वारा। सूरज बोल्ड मार और अब आए हैं धवल सिंह। और कैच छूट गया है और इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन, 2 विकेट के नुकसान पर गंगोली। और 2 ओवरों की समाप्ति पर गंगोली का स्कोर 7 रन, 2 विकेट के नुकसान पर गंगोली। इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए सूरज ने और एक महत्वपूर्ण विकेट भी झटका। और अब गेंदबाजी पाए हैं यमनदीप, शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं यमनदीप। और शानदार गेंदबाजी यमनदीप द्वारा और शानदार गेंदबाजी, लगातार बीट करके रखा है बल्लेबाज को यमनदीप ने। वेरी गुड और लगातार 4 गेंदें डॉट कर चुके हैं यमनदीप। और मैडन ओवर, शानदार मैडन ओवर यमनदीप द्वारा, इस टूर्नामेंट का पहला मैडन ओवर यमनदीप भाई द्वारा। शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाज को पूरी तरह से इस ओवर में छकाया। 3 ओवरों की समाप्ति पर गंगोली का स्कोर 7 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और सूरज आ चुके हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके और व्हाइट, पहली गेंद व्हाइट, इसी व्हाइट के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन।
और शानदार गेंद, सूरज की लगातार गेंद, शानदार गेंदबाजी। और एक और वाइट, इसी वाइट के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। बोल्ड मार सूरज बोल्ड। और शानदार गेंद, लगातार छका के रखा है बल्लेबाज को। और एक और शानदार गेंदबाजी। और 2 रन, इन्हीं 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। सूरज और शानदार है सूरज द्वारा, दूसरा विकेट लिया है सूरज ने, मेन विकेट झटका, तो गंगोली का तीसरा विकेट हो चुका है 11 के योग पर। और 4 ओवरों की समाप्ति पर गंगोली का स्कोर 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी पर आए हैं पवन। और इन 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन 5 ओवर प्रगति पर। और शानदार कैच यहां पर आशीष भाई द्वारा, और चौथी सफलता ये बैडाट की टीम के लिए, चौथी सफलता। लगातार शानदार गेंदबाजी पवन द्वारा। बहुत बढ़िया बॉल। सुभाष पवन मार मार मार। और 3 रन पूरे किए। इन्हीं 3 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 5 ओवरों की समाप्ति पर गंगोली का स्कोर 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर गंगोली। और 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन अभी भी छठवां ओवर प्रगति पर। और शानदार कैच आउट लपका गया और विकेट, और ये 5वां विकेट झटका लगने वाला गंगोली को, 5वां विकेट। गंगोली 5 विकेट के नुकसान पर 18 रन गंगोली का स्कोर और 6वां ओवर प्रगति पर है। और इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन अभी भी 6वां ओवर प्रगति पर। और इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा संगल्या पल्ला वर्सेज नैनडाना, जिसमें नामची बल्लेबाज है, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, अंकित जैसे बल्लेबाज जिनके पास, अंकित राहुल नैनडाना के पास अंकित राहुल जैसे बल्लेबाज है जिनका मैच संगल्या पल्ला के साथ है। और 3 रन पूरे के, इसी के साथ 4 रन भी पूरे। और इन्हीं 4 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन 6वां ओवर प्रगति पर। और एक और शानदार विकेट लगने, गंगोली को लगने वाला 6वां झटका 23 के योग पर 6 विकेट के नुकसान पर गंगोली। 6 ओवरों की समाप्ति पर गंगोली का स्कोर 23 रन 6 विकेट के नुकसान पर गंगोली। और अब 7वां ओवर प्रगति पर।
और नो बॉल फ्री हिट। और इसी नो बॉल के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। और इन्हीं दो रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। मंदीप सवास, सूरज सही। और इसी एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। गंगोली का स्कोर सवास कट कर दिया है। सवास और इसी एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। वाह वेरी गुड बॉल। और चौका, इसी चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। सवाल मनदीप रब्बी। 7 ओवरों की समाप्ति पर गंगोली का स्कोर 32 रन। और अंतिम ओवर प्रगति पर और इसी एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। और इसी 4 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। और 38 रन हो चुका है गंगोली का स्कोर। और शानदार स्टंप कीपर द्वारा, और इसी स्टंप करने के बाद 8वां झटका गंगोली को। और 8 ओवरों की समाप्ति पर गंगोली का स्कोर है 40 रन। 41 रन बैड आर्ट को 41 रन जीत का लक्ष्य है। तो देखते हैं बैड आर्ट के बल्लेबाज क्या कर पाते हैं, 41 रन मार पाते हैं या नहीं मार पाते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं बैड आर्ट के बल्लेबाज। और बैड आर्ट के सलामी जोड़ी आ चुकी है मैदान में, बैड आर्ट की, जिनको जीत का लक्ष्य है सिर्फ 41 रन। तो ये पहला सेमीफाइनल है, इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा नैनी डांडा वर्सेस संगल्या पल्ला। और पहली गेंद व्हाइट, इसी व्हाइट के साथ टीम का बढ़ता स्कोर 1 रन। और 2 रन के साथ, इन्हीं 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। और एक और व्हाइट, इसी व्हाइट के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। और अजय है गेंदबाजी पर, और इन्हीं 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। और पहला कैंट छूट चुका है,
और टीम का स्कोर 7 रन इसी 1 रन के साथ। और अगली गेंद सूरत के लिए। और एक ओवर की समाप्ति पर बैड आउट का स्कोर है 8 रन जबकि गंगोली का स्कोर था 5 रन। और पहली गेंद वाइट इसी अतिरिक्त के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। और क्लीन बोल्ड कर दिया है सूरज को बैड आउट को लगने वाला पहला झटका सूरज के रूप में लगने वाला पहला झटका बैड आउट को। और अब आए हैं सूरज का स्थान ग्रहण करने विपिन। और शानदार छक्का विपिन का, अपना खाता खोला छक्के से। इस छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। और शानदार कैच बैड आउट को लगने वाला दूसरा झटका विपिन के रूप में। और इन्हीं 2 रन के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर बैड आउट। और अब गेंदबाजी पर है अजय अपने कोटे का दूसरा और पारी के लिए 3rd ओवर लेके आए अजय। सामने होंगे यमनदीप। और इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। और इन्हीं 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर बैड आउट। और शानदार चौका इसी 4 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 3 ओवरों की समाप्ति पर बैड आउट का स्कोर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर बैड आउट। अब 30 गेंदों में मात्र 17 रन का जीत का लक्ष्य है बैड आउट का। और इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। और इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन अब मात्र जीत का लक्ष्य है 15 रन। और शानदार चौका इसी 4 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन अब मात्र 11 रन जीत का लक्ष्य है अभी भी 4th ओवर प्रगति पर। और शानदार एक और चौका इसी चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन अब मात्र जीत का लक्ष्य है 7 रन। 4 ओवरों की 7 रन जीत के लिए चाहिए।
और शानदार कैच पकड़ा गया। तो लगने वाला बैराट को तीसरा झटका यमनदीप के रूप में। अब मात्र 7 रन जीत का लक्ष्य है। अभी भी चौथा ओवर प्रगति पर। और अब बल्लेबाजी पाए हैं रवि। अब मात्र 5 रन जीत का लक्ष्य है। चलो चलो कोई बात नहीं। 5 रन जीत के लिए। 5 रन जीत में आ रहा। सीधे सीधे बॉक्स सीधे बॉक्स 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 बॉक्स। आप मात्र 2 रन जीत के लिए और फाइनल की ओर जाते हुए बैराट की टीम। और वाइट और इसी वाइट के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। मात्र 1 रन जीत का लक्ष्य है। तो बैराट फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके बाद खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल नैनी डांडा वर्सेस संगले पल्ला। और एक और वाइट और फाइनल में पहुंच चुकी है बैराट की टीम। और फाइनल में प्रवेश कर चुकी है बैराट की टीम। तो दूसरा सेमीफाइनल में देखते हैं कौन जाता है फाइनल में बैराट के साथ खेलने के लिए। शानदार बल्लेबाजी और गेंद मैं गेंदबाजी कहूंगा, शानदार गेंदबाजी बैराट की।